गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ट्रैकिंग के लिए आए हैं, फिलहाल नेरल स्टेशन पे। नेरल से काफी सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप ट्रैकिंग के लिए जा सकते हो, बट हम लोग आज जा रहे हैं गारबेट प्लेट्यू ट्रैक करने। सो नेरल से उतर के आप माथेरान भी जा सकते हो, और आप मेरे पीछे देख सकते हो टॉय ट्रेन है। फिलहाल बारिश के सीजन में बंद होता है, सो काफी सारे लोग यहाँ पे माथेरान जाने के लिए भी उतरते हैं। प्रबलगढ़, विकाटगढ़ और काफी सारे पॉइंट्स है, बट ये थोड़ा सा अनएक्सप्लोर्ड है, इसलिए हम लोगों ने गारबेट प्लेट्यू ट्रैक जाने का आज डिसाइड किया। तो नेरल स्टेशन पे ब्रेकफास्ट किया हम लोगों ने, और वहाँ से टैक्सी करके बेस पॉइंट तक आए हैं। टैक्सी का 80 रुपीज़ पर पर्सन कॉस्ट है। सो हम लोग ने ट्रैक शुरू कर दिया है 9:30 बजे। 12 किलोमीटर का पूरा ट्रैक है। हम लोग ने स्टार्ट किया है नेरल से, और हम लोग डिसेंड करने वाले व्यूपुरी रोड पे। मैं सब लोग को इंस्ट्रक्शन बताओ, जस्ट 2 मिनट्स। ट्रैक की लेंथ है समवेयर अराउंड 10-12 किलोमीटर्स। ट्रैक अभी हम लोग ट्रैक है ये फॉलो करेंगे, ट्रैक यहीं पे खत्म हो जाएगा आगे, फिर इसके बाद हम लोग गारबेट पॉइंट पहुंच जाएंगे, फिर हम लोग डिसेंट स्टार्ट करेंगे अपना। हम लोग का एंड पॉइंट विल बी भूपुरी स्टेशन। रेलवे ट्रैक जो है वो खत्म हो गया है, प्रॉपर नेचर के बीच में से जा रहे हैं। मस्त है, एकदम फुल ग्रीनरी है, और लकीली आज ज़्यादा बारिश भी नहीं है, पर ठंडा बहुत है। पहला ट्रैक ऐसा है जो प्रॉपर नेचर के बीच में है। वेट, ये फर्स्ट पॉइंट था जहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे। ऐसा फेमस कोई पॉइंट नहीं है, बट यहाँ से व्यू बहुत सही था, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे थोड़ा सा ड्रोन फ्लाई कर लिया। मैंने फिलहाल केचुआ के शूज डाले, स्पेशली हाइकिंग के शूज है, हाइकिंग ट्रैकिंग दोनों के लिए, बट फिर भी यहाँ के मिट्टी में उसका ग्रिप नहीं मिल रहा है। बाय द वे, हम लोग ने कुछ शॉपिंग की है डीकैथलॉन से, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारा डिस्काउंट चल रहा था। अगर आपको वो शॉपिंग हॉल देखना रहेगा डीकैथलॉन का स्पेशली ट्रैकिंग के लिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। अभी तक तो ट्रैक काफ़ी सिंपल है, ऐसे प्लेन रोड है, ऐसा कुछ चढ़ाई अभी तक आया नहीं है। I guess आगे जाके पर पक्का रहेगा। ग्यारह बज रहे हैं अभी, और हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली 4-5 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर कर लिया है। अब भी मैंने आपको बताया था ना कि हम लोग ने अप्रॉक्सीमेटली 4-5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। हम लोग पहुंच चुके हैं गारबेट पॉइंट। नेरल से यहाँ तक बहुत ही सिंपल था, बहुत ज़्यादा हवा है और बहुत सही व्यू है। यहाँ से प्लेट्यू का व्यू है बहुत अच्छा, तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पे हॉल्ट लिया था, और थोड़ा सा हम लोग को चल के जाना है आई थिंक, और 2 किलोमीटर।
थे हम लोग गाइस, और अभी प्लेट्यू में है। बहुत ज़्यादा एडवेंचरस रूट था, एक दो पॉइंट पे बहुत ज़्यादा डर भी लगा मुझे। ओवरऑल इजी तो नहीं बोल सकते, बट मॉडरेट लेवल का ये ट्रैक है। आपके पास अगर अच्छे शूज़ नहीं रहेंगे तो आप यहाँ पे आने का सोचना भी मत। जस्ट अभी हम लोगों ने खाना खाया है और फिर हम लोग अभी डिसेंड करना शुरू करेंगे भीवपुरी के लिए। और इन्होंने मेरा गोप्रो का स्टैंड तोड़ डाला। मैं बोल रही थी उनको कि उतरते टाइम मत गोप्रो से शूट करो, बट गिरा दिया मेरा गोप्रो। गोप्रो एडवेंचर स्पोर्ट वाला कैमरा है, यूज करने का उधर। बट स्टैंड तो टूट गया ना, 3000 का स्टैंड आता है। वो होता है, दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रिक। तो आप दोगे ना अभी? हां चलो दे दिया, दो दे दूंगा। दो नहीं चाहिए मुझे, G7X चाहिए। ये मेरा स्टैंड टूटा हुआ, यहाँ से वो निकल गया, टूट गया यहाँ से। सो अभी हाथ से पकड़ के मैं ब्लॉक कर रही हूँ। ये शूज़ ने बचा लिया आज। अगर मैं जब फर्स्ट ट्रैक पे गई थी तब मैं कीटोज डाल के गई थी, काफ़ी लोगों को याद रहेगा कीटोज सैंडल आते थे। तो मैं गई थी करनाला फोर्ट, डिसेंड होते टाइम पे वो पूरा टूट गया और मेरे को रूमाल बांधना पड़ा तेजा का, तेजस मेरा दोस्त है। अच्छा था कि मैंने ये शूज़ डाला था। ग्रिप थोड़ा सा स्लिपरी है बट काफ़ी अच्छा शूज़ है। एंजॉय किया ही रहेगा। अभी हम लोगों ने डिसेंड करना शुरू किया है भीवपुरी के तरफ। 2 बज रहे हैं, 1 बजे हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे, 1 घंटा हम लोगों ने ब्रेक लिया यहाँ पे। शूज़ बहुत अच्छा है पर बार बार लेस खुल रहा है, या तो मुझे लेस बांधना नहीं आता या फिर सच में लेस ख़राब है। पैर की पूरी वाट लग चुकी है, टोज पूरे ऐसे ऐसे फोल्ड हो चुके हैं। वहाँ पे थे हम लोग, वहाँ पे इतना सारा उतर के आए। फीट बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है क्योंकि इजी डिसेंडिंग नहीं है, बहुत सारे रॉक्स है और कहीं कहीं पे तो बहुत ही ज़्यादा स्टीप है। अभी गांव में पहुंच चुके हैं, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग? अपना भीवपुरी। हाँ बट बीच में कुछ तो वाटरफॉल और डैम। हाँ वाटरफॉल आएगा बीच में, वहाँ पे थोड़ा रेस्ट लेंगे। पूरे गंदे हो चुके हैं, पूरा मिट्टी मिट्टी लग चुका है बॉडी पे, और फिर वहाँ से डैम को जाएंगे। यहाँ पे एक डैम है और फिर भीवपुरी। इनके शूज़ वो वाटरप्रूफ है, उसमें पानी जाता भी है तो फटक से निकल जाता है। रबर का है ना, उसके अंदर कोई स्पॉन्ज जैसा नहीं है कि वो सोख करके रखे। तो काफ़ी अच्छा है, इसीलिए मैंने आपको पूछा आपको डीकैथलॉन का हॉल चाहिए क्या, कमेंट सेक्शन में बताइए। ये जो सारे देख रहे हो ये सारे राइस फील्ड्स है। मस्त गांव है, सुपर। पूरे साइड राइस फील्ड्स है, छोटे छोटे कच्चे घर, मज़ा आ गया देख के। अभी और बहुत सारा चलना बाकी है। वो जो आपको माउंटेन दिख रहा है ये वाला, उसके पीछे वाले माउंटेन में भीवपुरी है। अभी जस्ट डैम के यहाँ पे पहुँचे और बहुत ही सैड बात है, कोई तो 2 लोग डूब गए हैं डैम में। तो अगर आप ऐसे मानसून के समय या कोई भी टाइम पे ऐसे वाटर बॉडी के यहाँ पे जाते हो तो अपने सेंसेस में जाइए और बहुत संभाल के जाइए और नेचर को रिस्पेक्ट कीजिए। अभी जस्ट हम लोग भीवपुरी स्टेशन पहुँचे हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हम लोग।
पैर फील ही नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि फ्लोट कर रही हूँ मैं, या तो फिर कोई मुझे धक्का ज़बरदस्ती धक्का मार रहा है। ट्रैक बिल्कुल भी इजी नहीं है, बिगिनर्स के लिए तो है ही नहीं ट्रैक, तो बिगिनर्स ने भी कर दिया है। हाँ बट बिगिनर्स ने किया है वो बात अलग है, बट फिर भी अगर आप फर्स्ट टाइम कोई ट्रैक कर रहे हो तो पूरा ठीक से रिसर्च करके आइए, और ये फर्स्ट टाइमर्स के लिए तो है ही नहीं, मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी। और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय। कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी गाइस, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताना भूल गई। दो चीज़ें हैं, पहला जब भी आप ट्रैक प्लान कर रहे हो तो उसके दो लेवल्स होते हैं, एक डिफ़िकल्टी लेवल और एक एंड्योरेंस लेवल। कुछ कुछ ट्रैक का डिफ़िकल्टी लेवल इजी होता है बट एंड्योरेंस लेवल मॉडरेट या फिर डिफ़िकल्ट होता है, तो वो ट्रैक सच में डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो वो आप ठीक से चेक कीजिए। और दूसरी चीज़, आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए ट्रैक के लिए, अगर आप ठीक से प्रिपेयर करके नहीं गए तो वो थोड़ा रिस्की भी हो जाता है। सो ये दो चीज़ें बतानी थी, दैट्स इट, बाय बाय।